और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एपीएमसी संचालक चुनाव, व्यापारियों ने दिया नारा, कीर्ति राणा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब तक ये पड़े हैं तब तक एक संकट में पहुंचाना, कीर्ति भाई हमारे बीच खड़े रहे, पहले तो जोरदार तालियां कीर्ति राणा के लिए। आज से 10 साल पहले जब एनएमसी की जब हमारे यहाँ पर बहुत सारी तकलीफ हुई थी तब पूरे महाराष्ट्र में 3% 5% जितना टैक्स लगा था, लेकिन एक कीर्ति भाई राणा जी की मेहनत की और लगन की वजह से हम पर सिर्फ 0.20% एनएमसी लगा था और कुछ कुछ आइटम में तो एनएमसी नाबूद भी हो गया था। तो एक कीर्ति भाई जी की मेहरबानी थी, उनकी मेहनत और लगन का नतीजा था। एक बार जोरदार तालियां। एपीएमसी किरकोल वस्तु और मसाला मार्केट व्यापारी संघ चुनाव में उतरे कीर्ति राणा को व्यापारियों का जोरदार समर्थन मिलता दिख रहा है। मंगलवार को व्यापारियों ने नारा लगाया, कीर्ति राणा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए आखिर क्यों मिल रहा है कीर्ति राणा को व्यापारियों का इस तरह समर्थन। 14 मार्केट के वन मैन आर्मी है, इसके बारे में ज्यादा बोलना कुछ अनुचित होगा कि कीर्ति भाई हजारों में लाखों में एक ही है जो अकेले पूरे एपीएमसी का सारा दुख दर्द खुद जमेले हुए हैं और हम चाहते हैं कि कीर्ति भाई इलेक्शन में आवे, ये हमारी शुभकामना। कीर्ति भाई राणा जो नवी मुंबई मर्चेंट चैम्बर के जो चेयरमैन है ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं। हमारी मार्केट के ये ऐसे व्यक्ति है कि हमको जो दर्द होता है तो दर्द उनको होता है, वो हमेशा व्यापारियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। हमारी मानवी मेवा मसाला एसोसिएशन में ये आए, हमारे मानवी मेवा मसाले के हमारे प्रेसिडेंट मणिलाल भाई जो उनका स्वागत किया और उनको शुभेच्छा दी कि आप आगे बढ़ो, मानवी मेवा मसाला तुम्हारे साथ है, कीर्ति भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। इस मार्केट में जो पोटेंशियल है, आज यहाँ सबसे बड़ी जो खासियत है वो है वैरायटी की। एक जगह पे जितनी वैरायटी कस्टमर को इस बाज़ार में मिल सकती है वो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई और बाज़ार है। दूसरा, इस बाज़ार की जो खासियत है वो एक हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है बम्बई, उसके बाजू में है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से सब लोग आते हैं, आपके पास पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो यहाँ पे जिसको हम कहते हैं कमर्शियल सेंस है लोगों में, जो वर्क कल्चर है वो बाकी देश राज्यों से काफ़ी अच्छा है। वाशी मार्केट और ये जो होलसेल मार्केट है ये अपने आप में एक ट्रेडिंग हब बन सकता है, जैसे अमेजन है या अलीबाबा है कमोडिटीज़ के लिए। अगर हम अपने यहाँ ईमानदारी से क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दें तो मुझे नहीं लगता कि इस बाज़ार में कोई कमी है और उम्मीद है कि ये आने वाले समय में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनेगा। सरदाना साहब बहुत मजे हुए एक्सपीरियंस्ड टेक्नोक्रेट हैं और हमारे खुशनसीब जो आज हमें मिल गए, इनसे हम चाहेंगे कि इस मार्केट को इंटरनेशनल लेवल का रीडेवलपमेंट करने के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट है वो बना के पेश करें ताकि हम डेवलपर्स और गवर्नमेंट और हमारी पार्टनरशिप बने और व्यापारी आलम को बिल्कुल मॉडर्न सुविधाएं मिलें, जेब से एक नया रुपया खर्चने की ज़रूरत नहीं, आज जो परिस्थिति है उससे बेहतरीन होकर बिल्कुल एक नया पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे इतनी सालों से मेरा मार्केट का लीडर है, हमारे मार्केट का उसने खूब ध्यान रखा हुआ है और आज भी यहाँ पे कीर्ति भाई की ज़रूरत है। मेरे को बड़ा मालूम है, मैं देख रहा हूँ आदमी लोग यही बोल रहे हैं कि कीर्ति भाई आप चिंत रहो, आपका काम बोलता है और काम बोलता है उसका मैं आपको पूरा देता हूँ। 2008 से 2014 तक 6 साल कीर्ति भाई थे, पर मेरे को इतना मालूम है
कि कृति भाई का विरोध है, इसके लिए सामने भले 21 जना हो तो उसको सोचना पड़ता है कि आदमी ने विरोध किया, इसके लिए थोड़ा ये करना पड़ेगा। और 100 ऐसा हम लोग को अनुभव है कि जो चीज़ नहीं होने वाला वो चीज़ कृति भाई बोलेगा नहीं है, ये गलत है, और वो चीज़ होके करके दिखाया है। और दूसरा आपको बताता हूँ, इसके बाद आने वाला 2014 से 2020 6 साल तक प्रशासक था, प्रशासक में जो कृति भाई ने काम किया है ना, कोई भी चीज़, फिर FSI का काम होवे या तो फूड सेफ्टी का काम होवे, और 154 करोड़ का भी जो तलवार लगाया, जो APMC ने मेंटेनेंस टैक्स लगाया, वो भी उसका पूरा, कभी भी कृति भाई बिना पुरावे से बात ही नहीं करेगा, बाकी लोग कुछ भी बोले, पर मेरे को पूरा अनुभव है, उनके पास पूरा पुरावे के साथ ही बात करेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि कृति भाई का जो काम है वो सही में सत्य काम है, और कृति भाई का जो काम करेंगे ताकत है वो सही में अलग ताकत है, और कृति भाई की जीत होगा उसमें मेरे को विश्वास है। व्यापारियों के समर्थन पर कृति राणा ने कहा कि हमने मार्केट के विकास के लिए पिछले ढेरों काम किए हैं और मार्केट को और आगे ले जाने की मंशा है। व्यापारियों के हित के लिए काम करना है और यहाँ की समस्याओं का निदान करना है, इसलिए व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है। तो आज हमारे जो व्यापारी हैं उन्हें पता है कि हमें किसे वोट देना है, हमें काम को वोट देना है। आज हमारी चैम्बर, हमारी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, राष्ट्रीय लेवल से लेकर हमारी मुड़ी बाजार संस्था, ये जो शक्कर की संस्था है, हमारी ड्राई फ्रूट की संस्था है, जिनके जिनके सभासद हैं, घी वाले हैं, श्रीफल वाले हैं, सभी जन हमारे तेजाना बूंद वाले हैं, गुड़ वाले हैं, ये सभी जन को पता है कि इस मार्केट के हित की बात, इस मार्केट की आने वाले दिनों का विज़न इंटरनेशनल तौर पे कैसे बढ़े, और आने वाली पीढ़ी जो है उसका ध्यान रखते हुए यहाँ से व्यापार विकास होना चाहिए। और यही मुद्दे के साथ हमने प्रचार चालू किया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम और हमारे व्यापारियों की जीत होनी निश्चित है। हमारी APMC मार्केट के 2014 से लेकर 2020 तक प्रशासकीय मंडल के पास से हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। हमारे काफ़ी लंबे समय से जो प्रस्ताव प्रलंबित था उसमें मार्केट के प्रशासक, मार्केट के सभी अधिकारियों ने और सरकार के सहयोग से हमें करीबन 8 करोड़ रुपया ब्याज के ऊपर दंड जो था वो माफ़ी मिला। कलेक्टर से भी हमें काफ़ी स्टैम्प ड्यूटी की एमिनिस्ट्री स्कीम का लाभ मिला। हमारे 200 व्यापारी परिवारों की ऑफिस कार्यालय को भी इस एमिनिस्ट्री स्कीम का लाभ दिलाने में हमने, हमारी चैम्बर ने बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल बजाया। आज आने वाले दिनों में हमारी जो भी समस्या है उसमें आज हमने जो APMC के जरिए हमारी 91 का सिडको के एविडेंस, 89 का हमारा MOU, ये सारी चीज़ों जो है और ये सारे पुरावे जो है उसके जरिए हमारी जीत बिल्कुल व्यापारियों की होती है, और हमारी परेशानियों है या हमारी जो अड़चने हैं वो दूर करने में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, सारे संस्थाओं का, सारे व्यापारियों का बहुत बड़े पैमाने में तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी के लिए हम सभी के शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।